पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप ऐसो लेनेवो के लैपटॉप में और एसर के लैपटॉप में ब्लूटूथ को कैसे चला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेल लैपटॉप के बारे में बताऊंगा कि क्या कारण है जो आपके डेल के लैपटॉप में ब्लूटूथ जो है वो नहीं चल रहा है और इन कारणों को कैसे फिक्स करना है ताकि आपके डेल के लैपटॉप में आपका ब्लूटूथ जो है वो पहले जैसा काम करने लगे और चलने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कीजिए क्या कि यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर में राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे मैनेज में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैनेज जो है वो खुल जाएगा, तो यहाँ से मैक्सिमाइज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके डिवाइस मैनेजर को खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में चेक करना है कि यहाँ पे आपका ब्लूटूथ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ऊपर में यदि यहाँ पे आपका ब्लूटूथ दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ का जो ड्राइवर होता है वो है सो इंस्टॉल है। यदि नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ का जो ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्लूटूथ के ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। यदि आप ब्लूटूथ के ड्राइवर को इंस्टॉल कर देंगे तो ब्लूटूथ से रिलेटेड जो भी समस्या आ रहा है, 95% जो भी समस्या है, एरर है, वो आपका केवल ब्लूटूथ ड्राइवर को इंस्टॉल कर देने से ही फिक्स हो जाएगा। और यदि आपका जो है ब्लूटूथ का ड्राइवर इंस्टॉल है फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो आप कीजिए क्या कि यहाँ पे जो भी दिखा रहा है ब्लूटूथ में, तो यहाँ से आप जो है अपडेट कर दीजिए। अपडेट कर देने से भी प्रॉब्लम जो भी रहता है ब्लूटूथ से वो फिक्स हो जाता है। यदि अपडेट करने से भी फिक्स नहीं हो रहा, तब आप जो है नए ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो है इंटरनेट से अपने कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट ब्लूटूथ ड्राइवर को कहां से डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करेंगे और ब्लूटूथ से रिलेटेड समस्या को कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आप कीजिए क्या कि अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए और यहां पे सर्च कीजिए डेल सपोर्ट इंडिया, ये लिख के आप इंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए ड्राइवर एंड डाउनलोड, यहाँ पे आपको करना क्या है क्लिक कर देना है। वैसे इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर डाल देना है, क्योंकि सबसे ईजी होता है ड्राइवर को खोजने का मॉडल नंबर। यदि आप मॉडल नंबर से खोजेंगे तो तुरंत आपको सही ड्राइवर मिल जाएगा, वरना फिर आप जो है भटकते रह जाएंगे। तो यदि आपको अपने लैपटॉप का मॉडल नंबर नहीं पता तो आप यूट्यूब में सर्च करके जान सकते हैं कि लैपटॉप का मॉडल नंबर कैसे चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने लैपटॉप का जो भी मॉडल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है और सर्च कर देना। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है तो यहाँ पे आपका लैपटॉप जो है वो दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे ड्राइवर से डाउनलोड में टिक है या नहीं है, यानी कि क्लिक है या नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम और जितना भी बीट हो उसमें आपको करना क्या है क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क कर देना है, ठीक है, नेटवर्क में क्लिक कर देना और कुछ नहीं करना, फॉर्मेट में ऑल ही रहने देना। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे सारा जो ड्राइवर है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो ये हो गया फर्स्ट वाला वाईफाई का, नेटवर्क में दोनों होता है, वाईफाई भी और ब्लूटूथ भी। तो ये हो गया फर्स्ट वाला वाईफाई का और यहाँ सेकेंड हो गया ब्लूटूथ का, ठीक है। और नीचे हो गया ब्लूटूथ का एप्लीकेशन और ये हो गया कंट्रोलर का। तो हमको ये वाला डाउनलोड करना है, ठीक है, ये वाला ड्राइवर डाउनलोड करना है। ये हो गया ब्लूटूथ का। तो देखिए डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डाउनलोड यहाँ पे केवल क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी के सीधे में आना है आपको, यहाँ पे ब्लूटूथ ड्राइवर लिखा हुआ है, इसी के सीधे में आना है और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि डाउनलोड हो रहा है या नहीं। देखिए नहीं हो रहा, यदि आपका भी इस तरह दिखा है तो आपको यहाँ पे कीप में क्लिक करके कीप एनीवे में क्लिक कर देना है, तो डाउनलोड जो है वो हो जाएगा। तो ये exe फाइल में, तो आप इसे यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे इस लिंक पे आपको करना क्या है केवल क्लिक कर देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो बस नेक्स्ट पे क्लिक करते चले जाना है, यानी नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है, कोई बड़ा बात नहीं, इंस्टॉल करना है, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद अगेन नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए हो रहा है इंस्टॉल, तो देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो गया, तो बस फिनिश पे क्लिक करके फिनिश कर देना है, उसके बाद इन सारे चीज़ को क्लोज कर देना है, बाहर आ जाना है, सारी चीज़ को हटा दीजिए। उसके बाद वापस से आपको जो है वहीं पे जाना है डिवाइस मैनेजर में, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर में राइट क्लिक करना है, मैनेज में क्लिक करना है, खुलने दीजिए मैनेज, खुल गया। उसके बाद करना क्या है कि यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में क्लिक कर देना है, तो ये यहाँ पे अभी ब्लूटूथ नहीं आया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ इंस्टॉलिंग जो है हो गया, देखिए आ गया, तो यहाँ पे बस क्लिक कर देना है, यहाँ पे ब्लूटूथ जो है वो दिखा देगा। तो इतना सारा चीज़ पहले आप करके देख लीजिए, यदि इतना करने से आपका ब्लूटूथ का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है तो ठीक है, और सॉल्व नहीं होता है तो ब्लूटूथ के कंप्यूटर में काम नहीं करने का और भी रीज़न होता है, जैसे कि ब्लूटूथ ड्राइवर का अपडेट ना होना लेटेस्ट वर्जन में, जो मैंने आपको पहले बताया, ब्लूटूथ ड्राइवर का इंस्टॉल ना होना जो मैंने अभी आपको बताया, या ब्लूटूथ में येलो मार्क या डाउन एरो का जो साइन होता है वो आ जाना, या बायोस का अपडेट ना होना, या ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस का ऑफ होना, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, पर मेन रीज़न जो है वो यही है। तो इतना करने के बाद जो है आपको चेक करना है कि आपका ब्लूटूथ काम किया कि नहीं किया, यदि नहीं करता है तो आपको जो है अपने बायोस को अपडेट करना पड़ेगा और ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस को भी ऑन करना पड़ेगा। तो इतना सारा चीज़ इसी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लंबा वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इन सारे चीज़ का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बायोस को अपडेट किया जाता है, कैसे ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस को ऑन किया जाता है। तो बस जाते जाते इतना सा कहना चाहता हूं दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, पूरा का पूरा दिन लग जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।